ओम सूर्य देवताय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube के इस चैनल में। दोस्तों, आज का अपना आयुर्वेदिक पौधा है जिसको आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, इसको मगरलोट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह औषधि हमको बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाती है और यह पूरे भारत में आप इसको देख सकते हैं, पर हम लोग इसके आयुर्वेदिक फायदे के बारे में नहीं जानते, इसलिए इसका प्रयोग नहीं कर पाते। आज हम आपको इसकी पहचान करवाएंगे और इसके कुछ आयुर्वेदिक लाभ के बारे में भी बतलाएंगे। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा के ऑन कर दीजिए। साइड में जो घंटे का बटन दिख रहा है इसको भी दबा करके आप ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो आसानी से मिलते रहेंगे और आप इन वीडियो को जल्दी देख पाएंगे, सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, इसको मगरलोट के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद की प्रमुख औषधियों में शामिल यह पौधा हमारे शरीर के बहुत सारे रोगों को ठीक करता है। पहले हम आपको इसकी पहचान करवा देते हैं। दोस्तों, यह पौधा नदी के किनारे बहुत ही मात्रा में देखने को मिल जाता है। इस पौधे के पूरे तने में गांठ जैसी पाई जाती है, इसके कंदे भी पाया जाता है। इसके फूलों को आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसके फूल बहुत ही सुंदर छोटे छोटे से खिलते हुए दिखते हैं। इनमें से बीज भी होता है जो कि गोल गोल रंग का बीज पाया जाता है। तने में हल्के हल्के लाल रंग की दिखाई देती हैं इनकी तने। दोस्तों, जिस जगह पर ज़्यादा नमी होती है उस जगह भी यह पौधा जो होता है वह स्वतः ही अपने आप ही उग जाता है। और काफ़ी सारे लोग जो हैं, काफ़ी नदी तालाबों के किनारे जिस जगह पर पानी का स्टोरेज रहता है उस जगह पर यह पौधा अपने आप ही स्वयं ही उग जाता है। और यह जो बहुत ही मात्रा में होता है, क्योंकि इसको जो है जानवर जो है इनका इस्तेमाल नहीं करते, जानवर इसको नहीं भक्षण करते, इसलिए यह पौधा बढ़ते ही जाता है और बढ़ते ही जाता है। तो यह आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग तो इसको पहचानते भी होंगे, पर दोस्तों इसके आयुर्वेदिक फायदे के बारे में नहीं जानते, इसलिए वो इसके आयुर्वेदिक फायदे नहीं ले पाते। तो दोस्तों, ये तो हो गई इसकी पहचान, अब जान लेते हैं इसके आयुर्वेदिक फायदे के बारे में। दोस्तों, ये त्वचा संबंधित रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। गांव में अगर मवेशी को घाव हो जाता है तो और उसमें कीड़े भी पड़ने लग जाते हैं तो गांव के लोग इसके पत्ते को पीस करके जख्म पर लगा देते हैं और उनका जख्म बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। आपके शरीर में भी किसी जगह पे अगर घाव हो जाता है तो आप इसके पत्तों की चटनी बना करके घाव पर अगर लगाते हैं तो यह घाव को बहुत जल्दी सुखा करके ठीक कर देता है। जिन लोगों को सफ़ेद दाग, दाद या कुष्ठ रोग है तो आप इसकी पत्तियों को पीस करके उसमें कच्ची हल्दी, थोड़ी सी कच्ची हल्दी मिला करके अच्छी तरीके से घिस करके अगर लगाते हैं तो यह सफ़ेद दाग, दाद या कुष्ठ हो सभी को यह बहुत जल्दी ठीक कर देता है। पुराने ज़माने में कुष्ठ रोग में इसका बहुत ही इस्तेमाल किया जाता था। सफ़ेद दागों को निकालने के लिए बहुत ही अच्छी शानदार औषधि होती है। दोस्तों, जो लोग जल जाते हैं, जलने के बाद उनमें दाग छोड़ जाते हैं, तो दोस्तों जलने पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस जली हुई जगह पे अगर आप इसको, इसके पत्तों को अगर तुरंत लगा देते हैं तो यह जख्म नहीं छोड़ता और ना ही यह दाग छोड़ता है। तो आप इसका इस्तेमाल जो है त्वचा संबंधित रोगों के लिए कर सकते हैं। जिन लोगों को सफ़ेद पानी जाने की समस्या रहती है उनके लिए भी यह औषधि सर्वोत्तम मानी जाती है। उसमें आप इसके कंद को शुद्ध शहद के साथ में पीस करके एक चुटकी की मात्रा में चाट लेते हैं तो यह सफ़ेद पानी की जाने की समस्या को यह ठीक कर देता है। महीने में आप 10 से 15 बार इसका सेवन कर सकते हैं। सफ़ेद पानी जाने से क्या होता है दोस्तों, शरीर आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और आप काफ़ी सारे इसमें जो है होम्योपैथी को चाहे एलोपैथी को आप ट्रीटमेंट करते हैं पर इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इन चीज़ों में दोस्तों आयुर्वेदिक ही चीजें फायदा करती हैं। तो आप सफेद पानी जाने की समस्या पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों के गुप्त अंग में इन्फेक्शन हो जाता है, उनमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है या बदबू भी आती है, कभी कभी तो उसमें बहुत तेज़ गंध आने लग जाती है, तो वो लोग नहाने से पहले एक बर्तन में पानी गर्म करके उसमें इसके कुछ पत्ते डाल करके उबाल ले हैं और उस पानी में अपने आप जिस जगह पे इन्फेक्शन है उस जगह पर उस पानी को ठंडा होने के बाद उससे आप सफाई करें तो यह इन्फेक्शन को बहुत जल्दी ठीक कर देती है और खुजली होने की समस्या से भी यह जल्दी निजात दिला देती है। दोस्तों, मगरलोट का लाभ जो है गांव के आदिवासी बहुत मात्रा में लेते हैं। क्या होता है, जब वो लंबे समय तक अपने खेतों में काम करते हैं तो ज़्यादा समय पानी पर रहने से उनके जो पैरों की जो त्वचा होती है फूल जाती है। फूलने से उनकी त्वचा जो होती है वह कमज़ोर हो जाती है और वह निकलने लगती है, जिससे उनको कभी कभी क्या होता है दोस्तों, घाव भी हो जाता है। तो
वो लोग क्या करते हैं, मगर लोट के कुछ पत्ते को लेते हैं, उसमें कुछ मात्रा में नीम की पत्ती को मिला करके उसकी चटनी बना लेते हैं, और चटनी बना करके रात को सोते समय वो अपने पैरों पर लगा करके सो जाते हैं, तो सुबह तक के उनके जो पैर होते हैं काफ़ी अच्छे स्मूथ हो जाते हैं, और जो घाव उनका होने रहता है उस घाव पर भी यह दर्द पर भी यह काम करता है और उनके दर्द को भी यह खींच लेता है। तो दोस्तों त्वचा संबंधित रोगों के लिए मगरलोट जो होता है बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके कंद का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके तने का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके बीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मगरलोट एक ऐसी औषधि है जो बहुत ही आसानी से आपको देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इसका जो है इस्तेमाल कीजिए, और त्वचा संबंधित सभी प्रकार के रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि मानी जाती है। तो दोस्तों आज हमने आपको मगरलोट के कुछ आयुर्वेदिक फायदे के बारे में बताया। दोस्तों आप इस औषधि को कौन कौन से रोगों में किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरे को भी शेयर कीजिएगा जिससे वो भी इस वीडियो की सहायता से लाभ ले सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा करके सब्सक्राइब हो जाइए, साइड में जो नोटिफिकेशन उसको ऑल कर दीजिए जिससे आपको हमारे सभी लेटेस्ट आयुर्वेद से रिलेटेड वीडियो आप तक के पहुँचते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और नए आयुर्वेदिक पौधे और उसके उपचार के साथ में। तब तक इजाजत दीजिए, हर हर महादेव।